नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने ओजस गोट फार्म मध्य प्रदेश में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बकरी पालन का व्यवसाय ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत छोटे लेवल पे किया जाता है। कुछ बकरी पालकों के पास 10 बकरियां होती है, किसी के पास 20 बकरियां होती है। और मैं पहले भी कई वीडियोस में बता चुका हूँ कि ग्रामीण क्षेत्रों में बकरे बकरियों की दवाइयाँ जो मेडिसिन होती है वो उपलब्ध नहीं होती है, और अगर कुछ उपलब्ध होती है तो समय से मिल नहीं पाती है, जिसकी वजह से बकरी पालकों को बहुत ज़्यादा देसी इलाज की रिक्वायरमेंट होती है। और जैसा आप जानते हैं कि हमारे चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा देसी इलाज बताते हैं, क्योंकि हमारे पास जो बकरी पालक जुड़े हुए हैं वो ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों के हैं, जो कि इलाज के लिए हमेशा देसी इलाज मांगते हैं, जिससे कि समय से कम खर्चे में अपने बकरा बकरी का इलाज कर सके। तो उसी तरह कुछ बकरी पालकों की डिमांड आ रही थी कि सर, बकरा बकरी की डिवॉर्मिंग जैसे हम करते हैं देसी तरीके से, जैसा हमने वीडियो बना रखा है, आप चैनल पर देख सकते हैं, उसी तरह बकरी के छोटे बच्चों की डिवॉर्मिंग कैसे करें, क्योंकि बच्चों की डिवॉर्मिंग करने में, पेट के कीड़े मारने की दवा पिलाने में बकरी पालकों को बहुत ज़्यादा डर रहता है कि ऐसा ना हो कि हम गलत दवा पिला दें या दवा का डोज कम ज़्यादा हो जाए, जिससे कि सही रिजल्ट ना मिले। क्योंकि अगर दवा का डोज ज़्यादा हो जाता है तो बच्चों का जो लीवर होता है वो काम करना कम कर देता है, मतलब उनके लीवर पे इफेक्ट पड़ता है, जिससे कि उस दवा के असर से उनके लीवर कमज़ोर हो जाता है, वो बच्चा ग्रोथ करने की जगह पर कमज़ोर होने लगता है। तो ऐसे में देसी इलाज की डिमांड आ रही थी, तो आज के वीडियो में हम बकरी के छोटे बच्चे, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि 15 दिन का जब बच्चा हो जाए बकरी का, तो आप उसकी पहली बार डिवॉर्मिंग कर दें, जो कि एल्बो मार्च करनी होती है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और जानकारी के अभाव की वजह से बकरी पालक किसी भी दवा की तरफ नहीं जाना चाहते हैं। तो वैसे में आज के वीडियो में हम बहुत ही शानदार देसी दवा लेकर आए हैं, जिससे कि आप अपने बकरी के बच्चों की डिवॉर्मिंग कर सकते हैं, मतलब पेट के कीड़े मार सकते हैं, जिससे उनकी ग्रोथ अच्छी होगी। तो वीडियो में बने रहिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय से बकरी पालन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। बकरी के छोटे बच्चों की डिवॉर्मिंग के लिए हम जो देसी सामग्री लेने वाले हैं, उसमें तीन तरह की चीज़ें लेंगे। सबसे पहला हींग, दूसरे नंबर पर हम लेंगे बाय वजन। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, अगर आप बाय वजन नहीं समझते हैं तो आप गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं कि वो कैसा दिखता है, बाकी पिक्चर मैंने लगा दिया है आपके रेफरेंस के लिए कि आप उसे देखकर समझ सकें। और तीसरा हमें लेना है काली जीरी। जैसा कि काली जीरी के बारे में पहले भी बता चुका हूँ, बकरी पालन में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है और बहुत ही पावरफुल देसी प्रोडक्ट है। तो इन तीनों चीज़ों से हमें किस तरह से, किस किस मात्रा में, किस समय बकरी के बच्चों की डिवॉर्मिंग करनी है, वो आपका जानना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो बकरी पालक जानते हैं कि काली जीरे से हम कीड़े मार सकते हैं उनके पेट के, पर एक सिंगल आइटम से आप उनके पेट के कीड़ों को नहीं मार सकते हैं, इसलिए हमने तीन तरह की सामग्री ली है। तो आपको इसे इस्तेमाल कैसे करना है, जैसे कि जब भी आपको अपने बकरी के बच्चे की डिवॉर्मिंग करनी है, मान लीजिए कि आपके बकरी का बच्चा 15 से 20 दिन का हो गया है और आप उसकी डिवॉर्मिंग करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको हींग पाउडर लेना है। आप देख पा रहे हैं हींग जैसे कि मार्केट में हमेशा बॉक्स में मिलती है, मतलब डब्बे में मिलती है, तो उसमें से आप हींग पाउडर लें। और हींग पाउडर आपको जो लेना है वो आपको सिर्फ एक चुटकी लेना है, जैसे कि आपका बकरी का बच्चा 15 दिन का है तो एक चुटकी हींग लें, वहीं अगर वो 1 महीने का है तो हींग को थोड़ा सा बढ़ा लें। सबसे पहले आपको उसे उसके मुंह में हींग रखनी है। हींग रखने के बाद आपको जो है 25 से 30 ग्राम, मैं जो डोज बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ आपको 15 बकरी के बच्चों के, अगर आपके पास 5 बच्चे हैं तो आप उसका तीसरा हिस्सा ले लें। तो हम 15 बच्चों का डोज बनाएंगे, जिसमें हमें 30 ग्राम लेना है काली जीरी और हमें 30 ग्राम ही लेनी है बाय वजन। दोनों हमने 30-30 ग्राम ले लिए और मिलाकर दोनों को अच्छे से बारीक कर लेंगे, मतलब पाउडर बना लेंगे, तो दोनों मिलकर 60 ग्राम हो जाएंगे। इसका मतलब जब आप 15 बच्चों की डिवॉर्मिंग कर रहे हैं तो एक बच्चे के हिस्से में 4 ग्राम मिश्रण आएगा, मतलब जो मिश्रण हमने बनाया दोनों को मिलाकर वो 4 ग्राम आएगा। तो आप 4 ग्राम के हिसाब से अगर आप 10 बच्चों की डिवॉर्मिंग कर रहे हैं तो 40 ग्राम कर लें, 5 बच्चों की कर रहे हैं तो 20 ग्राम मिश्रण बना लें। तो ऐसे हमने 60 ग्राम मिश्रण बना लेना है। अब इस मिश्रण को हमको 300 ml पानी में, जी हाँ 300 ग्राम पानी लेना है, उसमें इस 60 ग्राम मिश्रण को मिला देना है और उसे तब तक गर्म करना है, तब तक उबालना है जब तक कि वो 150 ml ना बचे। तो आप पर बच्चे को 10-10 ml सीरिन से पिला सकते हैं। तो ऐसा आपको सिर्फ एक ही बार करना है, जैसे कि कुछ बकरी पालक बताते हैं कि सर हमने आज भी पिला दी है, अगले दिन फिर पिला दें, तो ऐसा नहीं करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप 15 दिन पर डिवर्मिंग कर रहे हैं तो 10 ml जो आया है एक बच्चे के हिस्से में आप 10 ml उसे पिला दें। उसके बाद आप अपने बकरी के बच्चे को बहुत आसानी से कुछ भी पत्ती खिलाना चाहे पत्ती खिला सकते हैं,
दूध पिलाना चाहे दूध पिला सकते हैं, लेकिन सुबह सुबह खाली पेट यह मिश्रण आपको ये जो घोल बनाया वो पिलाना है, जिससे कि आपके बकरी के बच्चे की डिवर्मिंग 100% सफल होगी। मतलब कि जो डिवर्मिंग आप कर रहे हैं वो सक्सेस रहेगी, जिससे कि बकरी के बच्चे के पेट में जो भी राउंड बॉर्म्स होंगे या नॉर्मल कीड़े होंगे वो सारे मर जाएंगे और आपके बकरी के बच्चे को किसी तरह की प्रॉब्लम भी नहीं होगी और उसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी। और जैसा कि बकरी पालक बताते हैं कि सर मार्केट से हम जो दवा लेकर आते हैं डिवर्मिंग के लिए उसका अगर डोज ज़्यादा हो जाता है तो बच्चे कमज़ोर होने लगते हैं, तो उनकी ये कंप्लेंट जो है वो बिल्कुल सही है कि अगर आप मार्केट से जो दवा लेकर आते हैं उसे डिवर्मिंग करते हैं तो कई तरह के साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। जैसे मैं अगर बकरी के बच्चों की या बकरे बकरियों की डिवर्मिंग करते हैं तो हमें उन्हें लीवर टॉनिक पिलानी पड़ती है, पर जो डिवर्मिंग करने का देसी तरीका मैंने आपको आज बताया इस वीडियो में, इससे डिवर्मिंग करने के बाद आपको लीवर टॉनिक देने की ज़रूरत भी नहीं है, तो आपका लीवर टॉनिक का पैसा भी बच जाएगा और उनका वेट गेनिंग और उनकी अच्छी ग्रोथ दे सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो देखने के बाद आप अपने बकरी के बच्चों की डिवर्मिंग एकदम देसी तरीके से करेंगे और कम से कम खर्च में आप पूरा फ़ायदा उठा पाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आज के वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर हमसे बात कर सकते हैं और इसी तरह बकरी पालन जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि समय से बकरी पालन जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।